हेलो गाइस, मैं हूं आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम फुल बॉडी कार्डियो वर्कआउट करने वाले हैं एंड ये वर्कआउट आपके वेट लॉस में काफी हेल्प करेगा, साथ के साथ आपकी बॉडी को एक परफेक्ट शेप देगा। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। वार्म अप करने से जो हमारे बॉडी की सारी मसल्स है वो ओपन हो जाती है, क्योंकि कार्डियो वर्कआउट ना सिर्फ वार्म अप के लिए जरूरी है बल्कि ये वेट लॉस एंड बॉडी शेपिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सो गाइस, मैं हूँ आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कार्डियो वर्कआउट करवाने वाली हूँ, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने कार्डियो वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जंप करना है, अपने हैंड से हमें लेग को टच करना है, हमें अपोजिट लेना है। इसको हमें 50 या 60 के अराउंड करना है। नेक्स्ट में हमें अपने दोनों लेग को ओपन करना है, देन जॉइन करना है। इसमें हमें अपने दोनों हैंड्स को फर्स्ट अप लेके जाना है, देन डाउन। इसको भी हमें 50 या 60 के अराउंड करना है। अगर किसी का ओवरवेट है तो अगर ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो आप सिंगल सिंगल लेग का यूज कर सकते हैं। ओपन देन जॉइंट, सेम लेफ्ट साइड करना है। हैंड्स को हमें अपसाइड लेके जाना है, देन डाउन, सेम लेफ्ट साइड, राइट। इसको भी हमें 50 या 60 के अराउंड करना है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ओपन करना है, देन जॉइन करना है, देन अपसाइड उठ के हमें अपने दोनों लेग को टो पर लेके जाना है, स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को अपसाइड, देन अगेन सेम डाउन, ओपन, जॉइन, देन अपसाइड आके स्ट्रेच करना है। इसको हमें 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ओपन करके अपनी बॉडी को डाउन साइड ले जाना है, देन लेग जॉइन करना है, अगेन ओपन, देन डाउन। इसमें हमें अपने दोनों हैंड्स को होल्ड करके रखना है ऊपर के साइड। इसको भी हमें 15 के 4 सेट्स करने हैं। एंड इस एक्सरसाइज से जो आपकी इनर थाई का फैट है, इनर थाई का फैट कब होगा? इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने लेफ्ट लेग को ओपन करना है, देन राइट लेग को पीछे से क्रॉस करके राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है। सेम हमें अपने राइट साइड करना है, लेफ्ट लेग को क्रॉस करना है, देन लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करना है। ये हमें 15 के 4 सेट्स करने हैं। एंड अपने हैंड, जो हमारा हैंड फ्री है, उसको बैक साइड रखना है। इस एक्सरसाइज से जो आपकी लोअर बेली है, लोअर बेली पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये एक्सरसाइज हमें फास्ट नहीं करनी है, स्लो करनी है।
एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग को हमें आउटसाइड लेग के रखना है टो पर। फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को इनसाइड लाना है, देन लेफ्ट अगेन राइट। इसको भी हमें 15 के 4 सेट्स करने हैं। इस एक्सरसाइज से जो आपकी लोअर बेली है, लोअर बेली पे फैट पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को अपसाइड किक करना है, देन सेकंड लेफ्ट। ये भी हमें नॉन स्टॉप करते रहना है, 15 के 4 सेट्स करने हैं। हमें अपनी बॉडी को अपसाइड ही उठा के रखना है, डाउन नहीं करना है। इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग को आउटसाइड रखना है टॉप पर। फर्स्ट हमें अपने लेफ्ट साइड राइट लेग को यूज करना है, स्लाइड करना है, सेम लेफ्ट को करना है। ये हमें 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसमें हमारी नी भी बेंड होगी। इस एक्सरसाइज से जो आपकी लोअर बेली है एंड अपर बेली है दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को आउटसाइड निकाल के रखना है, स्ट्रेट करके रखना है। देन फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को यूज करना है, राइट लेग को हमें राइट साइड स्लाइड करना है, आउट देन इन लाना है। हमें राइट साइड 15 के 2 सेट्स करने हैं। सेम हमें अपने लेफ्ट साइड करना है। इस एक्सरसाइज को 15 के 4 सेट्स करना है, यानी कि राइट साइड 15 के 2 सेट्स एंड लेफ्ट साइड 15 के 2 सेट्स। इस एक्सरसाइज से जो आपके इनर थाई का फैट है, इनर थाई का फैट कम होगा, साथ के साथ ये एक्सरसाइज आपके बेली पे भी इफेक्ट कर रहा है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमें अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है, अपने दोनों हैंड्स को होल्ड करके रखना है अप साइड। फर्स्ट उसमें राइट लेग को हमें बैक साइड लेके जाना है, स्लाइड करना है। हमारे लेफ्ट लेग की नी बेंड होगी, देन अप अगेन डाउन। ये भी हमें राइट से हमें 15 के 2 सेट्स करने हैं। सेम हमें अपने दूसरी साइड करना है, लेफ्ट लेग को यूज करना है, राइट लेग नी बेंड होगी इसमें। इस एक्सरसाइज से जो आपकी इनर थाई का फैट है, इनर थाई का फैट कम होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दोनों हैंड्स को होल्ड करके फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को यूज करना है, डाउन साइड लेके जाना है, स्ट्रेच करना है। देन सेम हमें अपने लेफ्ट साइड करना है, फर्स्ट राइट देन सेकेंड लेफ्ट। आपको 15 के 4 सेट करने हैं एंड इस एक्सरसाइज से आपके जो इनर थाई का फैट है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज यहां कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम अपने दोनों लेग को ज्वाइंट करके रखना है। फर्स्ट हमारी राइट लेग फ्रंट साइड जाएगी और हमारी जो लेफ्ट लेग है वो बैक साइड जाएगी। हमें जंप करना है इसमें, देन सेम हमें बैक साइड लेना है। राइट लेग हमारी बैक साइड जाएगी, लेफ्ट लेग हमारी फ्रंट साइड आएगी। ये हमें नॉन स्टॉप करते रहना है। सेम हमें अपने दोनों लेग को ओपन करके ज्वाइन करना है। अगेन फ्रंट बैक, अगेन ओपन जॉइंट, देन क्रॉस करना है, क्रॉस ओपन, अगेन स्टार्टिंग से। ओपन, देन लास्ट क्रॉस। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस, जो आज मैंने आपको कार्डियो वर्कआउट करवाया है, आप किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले आप इस वर्कआउट को 15 से या 20 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उससे आपकी बॉडी में पेन एंड इंजरी भी हो सकती है। तो वैसे ही किसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वार्मअप का करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो आप मेरी इस कार्डियो वर्कआउट को अपनी डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इस कार्डियो वर्कआउट से आपके वेट लॉस में काफ़ी हेल्प होगा। एंड आज के लिए इतना ही। मैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी न्यू एक्सरसाइज के साथ। अभी के लिए बाय बाय।